बहुत ही परम हर्ष का विषय है ये बताने में कि 14 वर्षों के बाद परम पूज्य आचार्य पुष्पतन सागर महाराज जी 1000 किलोमीटर दूर पुष्पगिरी से चल करके मुजफ्फरनगर में पधारे हैं। पूरे जनमानस में उनके आने का बहुत ही हर्षोल्लास है। आज दूसरा दिन आचार्य श्री को हुआ है, जिसमें देहरादून से 2 बसें, पानीपत से 2 बसें, मेरठ से 1 बस, हरिद्वार, ऋषिकेश, कनखल, सहारनपुर, जगह जगह के यात्री गुरुदेव के दर्शन करने आ रहे हैं। अभी गुरुदेव कुछ दिन मुजफ्फरनगर में रहेंगे और यहाँ से अगला पड़ाव आचार्य श्री का हरिद्वार की तरफ होगा, जो हर की पैड़ी पर एक भव्य प्रोग्राम वहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद गुरुदेव देहरादून जाएंगे और हमें आशा है कि महाराज श्री का चातुर्मास शायद मुजफ्फरनगर वालों को ही मिल जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ संपूर्ण मुजफ्फरनगर वासी, यहाँ पर 14 जिनालिये हैं, 14 के 14 जिनालियों की वर्किंग कमेटी ने मिलकर के सामूहिक रूप से गुरुदेव को आज सुबह आग्रह किया, जो उन्होंने अपनी मंद मंद मुस्कान से हमें इस प्रकार का आभास कराया कि अभी जल्दी ना करो, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। श्रापकों को जगाने के लिए आया हूँ और धार्मिक प्रवास है इन लोगों, बहुत समय से मैं आया नहीं था, आज से 14 साल पहले आया था यहाँ पर। तो फिर अब इनको, आपको मालूम है, बैटरी को चार्ज करने के लिए प्लग में लगानी पड़ती है, वही चार्ज करने आया हूँ। देखिए ससुरानी का घर कहाँ है, हाँ शादी नहीं की मैंने, बैचलर हूँ। हमारी जन समाज के हालात तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाकी समाज के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उनके यहाँ भी संत होते हैं, तो वो भी अपने संत वहाँ पर जाकर के अपनी समाज को संभाले तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो मेरा एक ही संदेशा है, अहिंसा परमो धर्म का है, तो हम तो मिलने की बात करते हैं और प्रेम की बात करते हैं, और वो हमारा बिल्कुल समाचार सब जगह जा ही रहा है सब लोगों के पास। और आज के भी प्रवचन में वही था, अगर आपकी आस्था सच्ची हो जाएगी तो प्रेम आपस में एक हो जाएगा, फिर हमारी सरकार हो या हमारे यहाँ के लोग या देश हो, तो में जब मैत्री भाव हो जाएगा तो हमारी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा।